रेखांकित कर रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए इज़राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। अभी हमने देखा कि ये औपचारिक स्वागत समारोह किस तरीके से आगे बढ़ा और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ हैं और इस वक्त यहाँ मौजूद सभी डिग्निटरीज का से मुलाकात करवा रहे हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ हैं। यूं तो बहुत सारे राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं जिनका यहां पर इस तरीके से औपचारिक स्वागत किया जाता है, लेकिन जब किन्हीं दो देशों के रिश्तों के साथ दोस्त और दोस्ती जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो इन रिश्तों को बहुत ही व्यापक आयाम मिल जाते हैं और इसराइल के साथ ये व्यापक आयाम तभी से जुड़े हुए हैं जब से कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई और उससे पहले भी, चाहे हम 1971 के युद्ध की बात करें या उससे पहले के हाइफा युद्ध की बात करें, दोनों देशों के संबंध लगातार इन घटनाओं के जरिए और ज़्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे हम बात कृषि की करें, चाहे हम बात जल प्रबंधन की करें, चाहे हम बात साइबर सिक्योरिटी की करें, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां इज़राइल अग्रणी देशों की श्रेणी में शुमार है और ये वो क्षेत्र हैं जिनसे भारत काफ़ी लाभ उठा सकता है, भारत के किसानों को, आवाम को बहुत फ़ायदा मिल सकता है और इसके साथ साथ भारत में जो भी बड़ा बाजार उपलब्ध है और भारत की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फ़ायदा भी इज़राइल उठा सकता है। दोनों देश, दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक रिश्ते, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक कारक कोई बड़ा फैक्टर नहीं बन रहे, क्योंकि दोनों देश अपने अपने जगह पर अपने अपने देशों की बेहतरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो किया जाना चाहिए उन्हें निर्णयों के आधार पर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक भी हैं और प्रतिबद्धता भी दिखा चुके हैं और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि किस तरह विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग परस्पर आगे बढ़ रहा है। और पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़राइल का दौरा किया था तो उसके बाद जिन जिन विषयों और क्षेत्रों के तहत सोच आगे